हेलो लर्नर्स, आज हम पढ़ेंगे कुछ इकोनॉमिक टर्म्स के बारे में। ये कुछ ऐसे इकोनॉमिक टर्म्स हैं जो अक्सर आप न्यूज़पेपर्स में सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो ऐसे ही पहली टर्म है जीडीपी। जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को, इकोनॉमिक ग्रोथ को जीडीपी से मेजर किया जाता है। हर साल जब बजट आता है तो आप देखते होंगे कि गवर्नमेंट बताती है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रहा और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम क्या टारगेट ले रहे हैं जीडीपी ग्रोथ रेट का। तो क्या होती है जीडीपी? जीडीपी इज द टोटल मॉनेटरी और मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ अ नेशन ड्यूरिंग वन ईयर पीरियड। एक वर्ष में किसी देश में प्रोड्यूस होने वाली गुड्स एंड सर्विसेज की जो टोटल मार्केट वैल्यू होती है, मॉनेटरी वैल्यू होती है, उसको जीडीपी कहा जाता है। जीडीपी को हम एनुअली और क्वार्टरली भी कैलकुलेट करते हैं। सो क्या फॉर्मूला है जीडीपी का? सो जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग नेशनल प्राइवेट कंजम्पशन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड ट्रेड बैलेंस। सो इन चार कंपोनेंट से मिलकर बनता है जीडीपी। इन कंपोनेंट्स को देख लेते हैं एक बार। सो पहला कंपोनेंट है नेशनल प्राइवेट कंजम्पशन। इंडिया के जीडीपी में 60% जो शेयर है वो प्राइवेट कंजम्पशन का है। प्राइवेट कंजम्पशन में आ जाते हैं फूड, क्लोथिंग, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, एजुकेशन, रेस्टोरेंट्स, होटल एक्सेट्रा। तो ये जो हम गुड्स एंड सर्विसेज अवेल करते हैं हम और आप लोग, तो ये आती है प्राइवेट कंजम्पशन में। अगला कंपोनेंट है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होते हैं जो बिजनेस, जो कैपिटल लगाई जाती है फैक्ट्रीज एंड मशीनरी में या फिर नॉन फिजिकल एसेट जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, उसको कहा जाता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स। देन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट जो खर्चा करती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, गवर्नमेंट रोड्स बनाती है, रेलवे लाइन्स बिछाती है, हॉस्पिटल खोलती है, स्कूल्स, कॉलेज, इसके अलावा जो एम्प्लॉयज को सैलरीज जाती है, तो ये सब इंक्लूड होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग में। नेक्स्ट है ट्रेड बैलेंस। सो डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इज कॉल्ड ट्रेड बैलेंस। सो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स हैव ऑपोजिट इफेक्ट ऑन जीडीपी। एक्सपोर्ट्स जो होते हैं वो जीडीपी में ऐड होते हैं और जो इम्पोर्ट्स होते हैं वो सब्ट्रैक्ट होते हैं। सो इस तरह से इन चार कंपोनेंट्स को मिलके बनता है जीडीपी। जीडीपी जो है एक क्वांटिटेटिव कंसेप्ट है जो कि किसी इकोनॉमी का जो कि इंटरनल स्ट्रेंथ को बताता है। It doesn't say anything about the qualitative aspects of goods and services produced. कि goods and services की quality कैसी है इसके बारे में GDP नहीं बताता। GDP केवल quantitative concept है जो कि volume और size बताता है किसी भी economy में का। Then जो बड़ी organization है, international organization है, जैसे International Monetary Fund हो गया या World Bank हो गया, वो जो countries की GDP होती है उनको यूज करते हैं कंपैरेटिव पर्पस के लिए, कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए उनका जीडीपी ग्रोथ रेट देखा जाता है। सो नेक्स्ट जो है वो आप देख सकते हो, एक टेबल देख सकते हो, ये इंडिया का लास्ट जो 12 इयर्स का जो जीडीपी का टेबल है। तो तीन रोज है, फर्स्ट में ईयर है, सेकेंड में जीडीपी, टोटल जीडीपी कितनी है, रियल जीडीपी, देन जीडीपी ग्रोथ रेट थर्ड रो में। सो आप देख सकते हैं कि कैसे इंडिया का जीडीपी जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है। 2019-2020 में जीडीपी जो था, जो ग्रोथ रेट था वो कम हो गया, 3.87% आ गया। 2020-21 में इसमें आप कोविड का इफेक्ट दे सकते हैं कि जो हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट था वो नेगेटिव हो गया, -5.83 हो गया। तो कोविड के टाइम पे जीडीपी जो ग्रोथ रेट था वो नेगेटिव में आ गया था। तो इसके बाद 21-22 में इंडिया ने कोविड से रिकवर किया और हमारा जो ग्रोथ रेट अब है वो बढ़ना शुरू हो गया है। सो ये इसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं आप जीडीपी ग्रोथ रेट का। सो दिस इज अबाउट द जीडीपी। अगला जो टर्म है वो है जीएनपी। जीएनपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी बनता है जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो इसमें इनकम जब जीडीपी में हम इनकम फ्रॉम एब्रॉड डाल देते हैं तब बन जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो इनकम फ्रॉम अब्रॉड होती है जो इनकम, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है अक्रॉस द बॉर्डर्स, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है उसमें आ जाता है इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इनकम फ्रॉम अब्रॉड में ये तीन कंपोनेंट्स आते हैं, प्राइवेट रेमिटेंसेस, इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन्स एंड
एक्सटर्नल ग्राउंड्स। तो सबसे पहले देखते हैं प्राइवेट रिमिटेंसेस। सो प्राइवेट रिमिटेंस होती है जो जैसे कोई इंडियन नेशनल है, इंडियन रेजिडेंट है, वो बाहर किसी कंट्री में गया है, जॉब कर रहा है, वहाँ से जो उसकी सैलरी है, वहाँ से जो अर्निंग है, वो अपनी कंट्री में वो भेज रहा है, दैट इज द रिमिटेंस, दैट इज द प्राइवेट रिमिटेंस। तो दैट इज द इनफ्लो ऑफ मनी, कंट्री में इनफ्लो हो रहा है मनी का। इसी तरह से कोई बाहर का पर्सन है, बाहर का रेजिडेंट है, फॉरेन रेजिडेंट है, वो इंडिया में आया है, यहाँ पे जॉब कर रहा है, और यहाँ पे जो अर्न कर रहा है उसका कुछ पार्ट अपनी कंट्री में भेज रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द आउटफ्लो ऑफ मनी। सो इसमें हम नेट आउटकम देखते हैं कि इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। सो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो प्राइवेट रेमिटेंस होता है वो हमेशा वो तकरीबन जो है वो पॉजिटिव है। और 1990s तक जो इंडियन थे वो मोस्टली गल्फ कंट्रीज में जाते थे, जैसे दुबई, सऊदी अरेबिया, इराक, कुवैत, तो यहाँ पे जाते थे। जब 1991 में गल्फ वार स्टार्ट हुई तो उसके बाद जो लोगों का मूवमेंट था वो USA और अदर यूरोपियन नेशन की तरफ चला गया। तो प्राइवेट रेमिटेंस के केस में हमारा जो नेट आउटकम है वो पॉजिटिव है, इनफ्लो हमारा ज़्यादा है। सो इंडिया इज़ द हाईएस्ट रिसिपियंट ऑफ प्राइवेट रेमिटेंस इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन। इंडिया जो बाहर की कंट्री से लोन लेता है और उस पर जो इंटरेस्ट पे करता है, दैट इज़ द आउटफ्लो ऑफ मनी। और बाहर की कोई ऑर्गेनाइजेशन, बाहर की कोई कंट्री इंडिया से लोन लेती है और फिर इंडिया को इंटरेस्ट पे करती है, दैट इज़ द इनफ्लो ऑफ मनी। तो इस केस में जो है हमारा जो आउटकम है वो नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो आउटफ्लो है, हम जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो एज कम्पेयर टू जो हम इंटरेस्ट रिसीव करते हैं उससे ज़्यादा है, तो नेगेटिव है इस केस में हमारा जो इनफ्लो जो है। सो इन इंडियाज केस इट हैज़ ऑलवेज बीन नेगेटिव एज द इकॉनमी हैज़ बीन अ नेट बोरोअर फ्रॉम द वर्ल्ड इकॉनमीज। तो हमारा जो लोन है वो ज़्यादा है। नेक्स्ट इज द एक्सटर्नल ग्रांट्स। एक्सटर्नल ग्रांट्स है कि इंडिया कितनी ग्रांट, कितनी डोनेशन बाहर की कंट्रीज को देती है, ऑर्गेनाइजेशन को देती है, और दैट इज द आउटफ्लो ऑफ मनी। और इनफ्लो है कि बाहर की कंट्रीज जो है, बाहर की जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो इंडिया को कितनी ग्रांट देती है। तो इस केस में इंडिया ऑफर मोर सच ग्रांट्स देन इट रिसीव्स। तो इस केस में भी जो आउटफ्लो है वो ज़्यादा है। सो अब इन तीनों को ऐड करके अल्टीमेटली जो बैलेंस बनता है दैट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के केस में नेगेटिव है, मतलब हमारा आउटफ्लो हमारे इनफ्लो से ज़्यादा है, क्योंकि तो हमारा जो हम जो लोन लेते हैं, हमारा जो लोन है दैट इज़ वेरी मच, और हमें उस पर काफ़ी सारा इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि इनकम फ्रॉम जो अब्रॉड है इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इंडियाज़ GDP टू कैलकुलेट इट्स GNP। तो इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो नेगेटिव हो जाता है, तो इसको GDP में से लेस कर देते हैं और जो आता है दैट इज कॉल्ड GNP। सो द नॉर्मल फार्मूला इज GNP इज इक्वल टू GDP प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बट इट बिकम्स GNP इज इक्वल टू GDP प्लस माइनस इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देयरफॉर GDP माइनस इनकम फ्रॉम अब्रॉड इन द केस ऑफ इंडिया। सो इट मीन्स इंडियाज़ GNP इज ऑलवेज लोअर देन इट्स GDP। तो इंडिया का जो GNP है वो हमेशा GDP से कम होता है, क्योंकि हमारी जो इनकम फ्रॉम अब्रॉड होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है। सो दिस इज द नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू विच द IMF रैंक द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स एट परचेजिंग पावर पैरिटी। सो दिस इज अबाउट GNP। नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज कॉल्ड फिजिकल पॉलिसी। सो फिजिकल पॉलिसी क्या है? फिजिकल पॉलिसी इज दैट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी विच इज कंसर्न विद रेजिंग रेवेन्यू, अर्निंग रेवेन्यू थ्रू टैक्सेशन एंड अदर मीन्स एंड डिसाइडिंग ऑन द लेवल एंड पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर। फिजिकल पॉलिसी इज ऑल्सो डिफाइंड एज द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट विच हैंडल्स पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड टैक्स टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो देयरफॉर वी कैन से दैट फिजिकल पॉलिसी डिनोट्स द यूज ऑफ टैक्सेस एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सो गवर्नमेंट किस तरह से टैक्सीज को, किस तरह से जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स है उनको हैंडल करती है, उनको यूज़ करती है, ये सब आ जाता है हमारी फिजिकल पॉलिसी में।
हाउ द टैक्सीज एंड द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन्फ्लुएंस ऑन ओवरऑल इकोनॉमी. जो टैक्सीज होते हैं या गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो इकोनॉमी को किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं. तो सबसे पहले हम टैक्सीज को डिस्कस करेंगे कि टैक्सीज जो होते हैं, जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, वो किस तरह से इकोनॉमी को इफेक्ट करते हैं. सो पहला जो पॉइंट है दैट इज जो टैक्सीज होते हैं वो लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्पैक्ट करते हैं. अगर गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स लगाएगी इनकम पे तो इसका मतलब है कि डिस्पोजेबल इनकम, जो इनकम हम यूज़ करते हैं, वो हमारे पास कम हो जाएगी. अगर इनकम कम हो जाती है तो हम कम गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेंगे, कंजम्पशन कम होगी, तो अल्टीमेटली दैट इफेक्ट ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. सेकेंड है कि जो टैक्सीज जो है वो पर कैपिटा इनकम पर भी इफेक्ट करते हैं. अगर ज़्यादा टैक्स लगेंगे तो मतलब है कि सेविंग्स कम होगी, सेविंग्स कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी तो दैट इफेक्ट आवर GDP और अल्टीमेटली इट इफेक्ट द पर कैपिटा इनकम. थर्ड है कि अगर टैक्सीज गवर्नमेंट जब लगाती है, ज़्यादा लगाएगी, तो गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस बढ़ जाएगी, तो दैट ऑल्सो इफेक्ट द इकोनॉमी. तो इस तरह से ये तीन तरह से गवर्नमेंट जो है जो टैक्सेस होते हैं वो इफेक्ट करते हैं. नेक्स्ट है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो कैसे इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं. सो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी इन टू वेज. तो पहला तो है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, रोड्स बनाती है, रेलवे, पोर्ट, हॉस्पिटल, स्कूल्स, इसके अलावा जो सैलरीज देती है गवर्नमेंट इम्प्लॉई को, तो दैट इज कम अंडर द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. दूसरा तरीका है जब गवर्नमेंट तरह तरह की स्कीम्स लाती है पुअर पीपल के लिए, अनएम्प्लॉयड के लिए, ओल्ड एज लोगों के लिए. तो इन दो तरह से गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेंडिचर करती है. सो राइट, दिस इज द फिस्कल पॉलिसी. नेक्स्ट इज द मॉनेटरी पॉलिसी. अब हम देखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है. सो मॉनेटरी पॉलिसी, सो अ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी टूल यूज्ड बाय द अथॉरिटीज, यूज्ड बाय द मॉनेटरी अथॉरिटीज टू इन्फ्लुएंस इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन एंड क्रेडिट अवेलेबिलिटी थ्रू चेंजेस इन द सप्लाई ऑफ मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी. सो मनी की सप्लाई को चेंज करके इंटरेस्ट को, इन्फ्लेशन को जो स्टेबलाइज करती है मॉनेटरी अथॉरिटीज, उसको मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है. सो ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज अनाउंस्ड बाय द सेंट्रल बैंकिंग बॉडी ऑफ द कंट्री एज द RBI अनाउंस इट इन इंडिया. सो ऑल ओवर वर्ल्ड जो कंट्रीज की सेंट्रल बैंक होते हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है अपनी कंट्री की अनाउंस करते हैं. इंडिया के केस में RBI जो सेंट्रल बैंक है इंडिया का, वो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करता है. मॉनेटरी पॉलिसी RBI में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जो कि ये पॉलिसी बनाती है. इसके अलावा RBI का जो मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट होता है वो इस कमेटी को असिस्ट करता है इस पॉलिसी को बनाने में. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं जिसमें जो RBI का गवर्नर होता है वो इस कमेटी का चेयरमैन होता है. सो इन इंडिया इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट पॉलिसी एज द स्ट्रेस इज प्राइमरली ऑन डायरेक्टिंग क्रेडिट. तो मॉनेटरी पॉलिसी को क्रेडिट पॉलिसी भी कहा जाता है. RBI use its monetary policy for controlling the inflationary and deflationary situations in the economy by using the following tools of monetary control. So RBI ये जो monetary policy है इसको use करके इंडिया में जो inflation है या deflation की situations है इसको control करता है. तो उसके लिए ये tools दिए हैं, ये कुछ methods दिए हैं जिनके through RBI stability लाता है economy में. तो ये tools हैं, ये मेथड्स हैं CRR दैट स्टैंड फॉर कैश रिजर्व रेशियो, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, देन बैंक रेट, रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट्स, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस. सो इनको इनके रेट्स को बढ़ा के या कम करके RBI इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाता है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी में डिफरेंस. सो ये टेबल है डिफरेंस का मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी में. सो फर्स्ट इज द डेफिनेशन. मॉनेटरी पॉलिसी जो है इट्स अ फाइनेंशियल टूल दैट इज यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक्स इन रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ मनी एंड दस मेंटेनिंग स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी. सो मनी के फ्लो को कंट्रोल करके जो RBI है वो
इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाता है. देन फिस्कल पॉलिसी इट्स अ फाइनेंशियल टूल दैट इज यूज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन मैनेजिंग द टैक्स रेवेन्यू एंड पॉलिसीज रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर फॉर द बेनिफिट ऑफ द इकोनॉमी. टैक्स रेवेन्यूज को एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को किस तरह से इकोनॉमी बेनिफिट के लिए यूज करना है ये फिस्कल पॉलिसी में दिया जाता है. देन जो मॉनेटरी पॉलिसी है दैट इज मैनेज्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री और फिस्कल पॉलिसी इज मैनेज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ द कंट्री. मॉनेटरी पॉलिसी में फोकस होता है इकोनॉमी की स्टेबिलिटी पे, जबकि फिस्कल पॉलिसी पे होता है, फिजिकल पॉलिसी में जो फोकस होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है इकोनॉमी का ग्रोथ, इकोनॉमी की ग्रोथ. देन मॉनेटरी पॉलिसी टारगेट्स इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी, वेयर एज फिस्कल पॉलिसी डजंट हैव एनी स्पेसिफिक टारगेट. नेक्स्ट इज द पॉलिटिकल इम्पैक्ट. सो इन केस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी पॉलिटिकल इम्पैक्ट इज एब्सेंट, वेयर एज इन फिजिकल पॉलिसी देर इज अ मेजर इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिक्स ऑन फिजिकल पॉलिसी. देन इम्पैक्ट ऑन एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट्स इम्प्रूव वेन देर इज अ हाई इंटरेस्ट रेट. सो जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट हाई कर देती है तो उससे क्या होता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो होती है वो कंट्री में बढ़ जाती है, ज़्यादा होती है, तो इससे जो फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है वो इम्प्रूव करता है. फिस्कल पॉलिसी में एक्सचेंज रेट पे जो है वो कोई इफेक्ट नहीं आता. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी. नेक्स्ट जो टर्म है वो है इन्फ्लेशन. सो इन्फ्लेशन, बाय इन्फ्लेशन वी मीन अ जनरल राइज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज फूड आइटम्स, क्लोथ्स, फुटवेयर्स, हाउसेस, ट्रांसपोर्टेशन, फ्यूल, एडिबल ऑयल, पल्सेस, मेडिकल केयर एक्सेट्रा. सो द इन्फ्लेशन इज द परसिस्टेंट प्राइस और कंटिन्यूअस राइज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रादर देन वंस फॉर ऑल राइज इमीडिएट. सो जब किसी कंट्री में जो गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस लगातार बढ़ती है, कंटिन्यूसली बढ़ती है, उस कंडीशन को इन्फ्लेशन कहा जाता है. ऑन द अदर हैंड डिफ्लेशन रिप्रेजेंट परसिस्टेंटली फॉलिंग प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. और दूसरी तरफ जब गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस लगातार कम होती जाए तो दैट इज कॉल्ड डिफ्लेशन. सो दिस इज अबाउट द इन्फ्लेशन. सो लर्नर दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन. लास्ट में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके लिए. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन. टिल द नेक्स्ट सेशन, बाय एंड हैप्पी लर्निंग.